जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी AA और SSR का रिजल्ट है वो आपका कल जारी होगा, यानी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कल जारी होने वाला है दोस्तों। 17 जनवरी कल होने वाला है, तो 17 जनवरी को आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और आपके इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके अभी क्वेश्चन बहुत सारे चल रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा और कितने बजे आएगा और किस प्रकार मेरिट बनता है और क्या क्या सीन है, तो ज्वाइनिंग लेटर कैसे है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में। आपको बार बार कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले अपने मैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जो साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी आप प्रेस कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, हर एक जो अपडेट होता है वो हम आपको देते रहते हैं गाइस, तो आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ गाइस, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दिया है कि 17 जनवरी को आपका मेरिट लिस्ट आएगा, और इसकी जो ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई जो किसी भी तरीके किसी ने बनाई होगी, लेकिन जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जाकर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यदि ऐसा पेज ओपन नहीं हो रहा है तो इस वाले 3 डॉट पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो व्हाट न्यू इसमें आ रहा है ना, पॉपअप हो रहा है ये वाला, ये पट्टी, ठीक है। इस पट्टी में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट कितने बजे आएगा। अब कितने बजे आएगा, तो गाइज अभी तक जितनी बार भी इंडियन नेवी का जो आपका मेरिट लिस्ट जारी हुआ है तो वो आपका क्या है कि मेरिट लिस्ट आपका लगभग 8 बजे के आसपास आता है, ठीक है। 6 बजे से दिखाना स्टार्ट करेगा गाइज, 6 बजे से दिखाना स्टार्ट करेगा। कल आ सकता है 6 बजे का, मैं ये कन्फर्म नहीं कहता आपको, ठीक है। लेकिन क्या है कि साइट में प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप सभी कैंडिडेट्स हैं ना, इसको बार बार लॉगिन करोगे, ठीक है, बार बार लॉगिन करोगे तो इस मतलब बात सीधी यही है कि आपकी साइट में ट्रैफिक आएगा, 100% आएगा। तो एक साथ कितने बच्चे लॉगिन करेंगे, पूरी इंडिया के साथ लॉगिन करेंगे, तो सर्वर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आएगा साइट अंडर मेंटेनेशन, यानी साइट को अभी सर्वर, साइट का सर्वर सही किया जा रहा है, वहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। इस यदि इस पेज को भी रिफ्रेश करोगे तो वो हर बार होता है, इस बार नहीं हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर बार ऐसा होता आया है। तो फिर ऐसे करके क्या करते हैं, 2 घंटे का टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिखा देते हैं वहाँ पर कि 8 बजे आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन 8 बजे भी थोड़ा सा समय लेता है फिर, ठीक है, लेकिन हो जाता है। आपको निश्चित तरीके कल ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यदि कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो कह नहीं सकते। और आपकी सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इस बार स्पेम हुआ था तो गाइज आपके नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। अब नंबर नहीं दिखाई दे रहे तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते कुछ, लेकिन कल आपके नंबर 100% दिखाई देंगे। इससे पहले भी दिखाई दे सकते हैं, दोपहर 12 बजे या आज की रात की 12 बजे के बाद में, ये मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट आने के बाद में नंबर आपको दिखाई देंगे। और AA का जो कट ऑफ है गाइस, AA का कट ऑफ ऑल इंडिया बेस पे लगने वाला है, सबको पता है। और SSR की बात करूं तो SSR का स्टेट वाइज लगेगा, और स्टेट वाइज में भी गाइस सबसे ज्यादा हरियाणा का लगा है, और उसके बाद में राजस्थान का नंबर है। तो भैया देखो, यहाँ पे सभी को मैं सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, जिस भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और सबको जिनको इंतजार है कि अभी हमारा मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो गाइज आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे कि मानो हानि हो, और आप सभी को मतलब अच्छे तरीके से रहना है, फ्री माइंड रहना है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपको हर एक अपडेट मिलेगा और किसी तरीके के बहकाव में नहीं आए। सबसे पहले बता देता हूँ, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर मिलेगा, इसमें आपको ध्यान से गौर करना है, आपको पता चल जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक फिर से कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब कितने बजे आएगा और कब आएगा मैंने बता दिया, किस तरीके से मेरिट बनेगी, और जो SSR की मेरिट बनेगी गाइज ना, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ अच्छी तरीके से, कि आपका जो हर एक स्टेट में वैकेंसी रहता है। अब लास्ट ईयर की जो है ना, आपको देखना चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा यहाँ से। तो जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी ना गाइज, मतलब मेरिट लिस्ट आया था वैकेंसी का, तो उसके अंदर हर एक स्टेट की वैकेंसी होती है, इस स्टेट से इतने बच्चे लिए गए हैं, ये लास्ट ईयर से ही दिखाना शौक किया था इंडियन नेवी ने कि इस स्टेट से हमने इतने बच्चों को सिलेक्ट किया है मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब बेनिफिट था इस चीज़ का, ठीक है। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है बता देता हूँ।
जैसे SSR के अंदर हो चाहे MR की हो, ठीक है। डबल ए का ऑल इंडिया पे बनता है, तो डबल ए का क्या रहता है कि आपका जिन बच्चों को लिया जाता है ना, तो जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, जो कट ऑफ क्रॉस करते हैं उसका रेशियो निकाला जाता है कि कितने बच्चे इस नंबर से ऊपर है और कितने इससे कम के हैं, तो जो उनका रेशियो निकाल कर डबल ए के लिए ले लिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का, उसमें कोई रोल नहीं करेगा। लेकिन SSR का बात करें ना, यहाँ पे SSR का, तो SSR के अंदर क्या है कि आपका जैसे एक स्टेट से 50 सीट 50 ही है वहाँ पे, ठीक है, और बच्चे वहाँ से पास हो रखे हैं मेडिकल सब कुछ करके 100, तो अब 100 को तो नहीं ले सकेंगे, 50 को ही लेंगे ना, तो 50 को उनका रेशियो निकालेंगे कितने परसेंटेज में रखें कि 50 ही ले लिए जाए, तो उनका औसत निकाल के इतना कट ऑफ निकालते हैं, इनके नंबर इस तरीके से है, तो रेशियो निकलता है गाइज। उसके बाद में SSR की मैरिट तय होती है, सब कुछ तैयार है, बस इंडियन नेवी के पास बना हुआ है सब कुछ, और कल जारी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज ये दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके का डबल ए SSR का जो भी आपको मतलब ये कन्फ्यूजन है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। और ज़रूरी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा गाइज, आप वेबसाइट को कम से कम लॉगिन करें, और गाइज सबसे पहले एक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अभी से ही फॉरगेट कर लें, अभी से फॉरगेट कर लें। आप सभी को कैंडिडेट्स को पता है कि फॉरगेट कैसे किया जाते हैं, यदि नहीं किया जाता है मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं @23917035 6, क्योंकि आपको जब आपका प्रोसेस आएगा ना, तो प्रोसेस के अंदर आपको लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट में नाम तो चेक कर लोगे आप, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर जो भी, या प्रोसेस कितने नंबर से आपका क्या सीन रहा, मेडिकल में क्या स्टेटस रहा, और आपका मतलब कितना नंबर आया, क्या क्वालिफाइड हो पाए नहीं हो पाए, तो वहाँ पर भी आपको चेक करना है, जो इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो देखिएगा यहाँ पे गाइज आ रहा है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन वाले पे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से लॉगिन होने का ऑप्शन मिलेगा, ऑलरेडी हैव ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप कर लेना। कल आपको अलग से दो वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको एनालाइज मिल जाएगा, और एक वीडियो आपका जो स्टेट वाइज का कट ऑफ कितना क्या सीन रहा है, उसके बाद में कितना बढ़ सकता है, वो भी आपको एनालाइज मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइज कि जिस कैंडिडेट्स के नए पासवर्ड भूल गए हैं, तो वो कैंडिडेट्स आज ही अपना पासवर्ड रीसेट कर लें, यानी दोबारा से फॉरगेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो अभी साइट चल रही है, कल आपकी साइट नहीं चलेगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ अभी भी, ठीक है। किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लास्ट ईयर मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आया, और कम से कम आप इस बात को ध्यान से गौर करके चेक कर लेना कि अपनी ईमेल आईडी लॉगिन हो रही है नहीं हो रही। ईमेल आईडी के पासवर्ड वही डालने हैं जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय वहाँ पे नए पासवर्ड डिजाइन किए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज, और कोई भी आपका तरीके का मतलब प्रॉब्लम्स है, तो आपको मतलब सभी सोशल मीडिया के व्हाट्सअप नंबर और सब कुछ टेलीग्राम लिंक सब के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वहाँ से जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा गाइज अपने इस वीडियो को, और आप अपना सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपकी सभी डिफेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी हो, बिल्कुल फ्री करवाई जाती है, तो गाइज वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज सभी को बेस्ट ऑफ लक, दोबारा से कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप एकदम शांत से रहिए गाइज, और एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा, सबके साथ बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है।